हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोलोक मूर्ति पर। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है कुछ अलग होने वाली है। जो जैसे कि आप सभी को पता है कि आज गीता जयंती है तथा आज मोक्षदायी एकादशी भी है। तो फ्रेंड्स, आज हम गीता जयंती जो महापर्व मनाते हैं, वैसे विश्व की किसी भी धर्म या संप्रदाय में किसी ग्रंथ की जयंती नहीं मनाई जाती है। हिंदू धर्म में सिर्फ गीता की जयंती मनाने की परंपरा पुरातन काल से चली आ रही है, क्योंकि अन्य ग्रंथ किसी मनुष्य द्वारा या ऋषि द्वारा लिखे गए हैं, और जबकि गीता का जन्म स्वयं श्री भगवान के श्रीमुख से हुआ है। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिष्टा। ब्रह्म पुराण के अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया था, इसलिए यह तिथि गीता जयंती के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स, आपने सभी ने गीता एक बार तो पढ़ी ही होगी। गीता अर्थात योगेश्वर श्री कृष्ण के मुखारविंद से स्रवित माधुर्य व सौंदर्य का वांग्मयीन स्वरूप है। भगवान गोपाल कृष्ण की प्रेम मुरली ने गोकुल में सभी को मुक्त कर लिया था, तो योगेश्वर कृष्ण की ज्ञान मुरली गीता ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर अर्जुन को युद्ध के लिए प्रवृत्त किया था। दोस्तों, भक्तों के लिए गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि वो भगवान की श्वास और भक्तों का विश्वास है, भगवान से बात करने का एक जरिया है। गीता केवल ग्रंथ नहीं, कलयुग के पापों का क्षय करने का अद्भुत और अनुपम माध्यम है। जिसके जीवन में गीता का ज्ञान नहीं, वह उसकी जिंदगी तो पशु से भी बदतर होती है। भक्ति तो बाल्यकाल से शुरू होनी चाहिए, अंतिम समय में तो भगवान का नाम लेना भी कठिन हो जाता है। दोस्तों, लाल कपड़े में बांध कर हम गीता को अपने घर तो ले आते हैं, पर आज यदि हम किसी से पूछे कि हम आपके घर में तो गीता है, पर क्या आपके जीवन में गीता है? गीता के रहस्यों को समझना आसान नहीं, ये मैं भी मान सकता हूँ, पर ये सोचकर समझना तो नहीं छोड़ सकते। जैसे अथाह समुद्र में से कोई एक लोटा भरकर पानी ले जाता है, कोई एक गागर भरकर ले जाता है, और कोई उससे ज्यादा भी लेकर जा सकता है, तो ये सब उसके सामर्थ्य पर निर्भर करता है। वैसे ही हमें गीता से कितना लेना है, ये हमारे सामर्थ्य पर निर्भर करता है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्ते यापो, न शोषयति मारुत। ऐसे ही कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फलहेतुर्भुर्म ते संगोत्सतु कर्मणि। सहित ऐसे अनेक श्लोक है जिन्हें आप पढ़ने और उनका अर्थ समझने से मनुष्य को जीवन के संकट या कष्टों से ना सिर्फ मुक्ति मिलती है, बल्कि यह जीवन के उस पद को प्राप्त करते हैं जिसका ज्ञान स्वयं जगत ज्ञानी परमेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। दोस्तों, कुरुक्षेत्र की भूमि पर गीता में अर्जुन के मन में उठने वाले विभिन्न सवालों के रहस्य को सुलझाते हुए श्री कृष्ण उन्हें सही एवं गलत मार्ग का निर्देश प्रदान करते हैं। संसार में मनुष्य कर्मों के बंधनों से जुड़ा हुआ है, और इस आधार पर उसे इन कर्मों के दो पथों में से किसी एक का चयन करना होता है। इसके साथ ही परमात्मा तत्व का विशद वर्णन करते हुए अर्जुन की शंकाओं का समाधान करते हैं और गीता का आधार बनते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में छोटे छोटे 18 अध्यायों में संचित ज्ञान मनुष्य मात्र के लिए बहुमूल्य है। तो दोस्तों, ये जो ज्ञान है आप अपने जीवन में भी उतारिए, और अन्य लोगों को भी गीता पढ़ने के लिए या सुनने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको मैंने दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ये गीता का ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको ऐसे ही वीडियो और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे।